इसे कहाँ लेके जा रही है? उसके घर। पर ये धनराज का बेटा, हमारा पोता, इस घर का बच्चा, तो यही इसका घर हुआ ना इमली? इम्मा। आशु, तू डर कह रहा है? तदिया तो बात ही कर रही है ना? हमने देखा चाची जी, आशु आप सबके साथ कितना खुश है, और ये खुशी ना तो हम आशु से और ना तो आप सबसे छीनना चाहते। हमने कभी अपने मटर के दाने को ये लगने ही नहीं दिया क्योंकि अपने कभी उससे प्यार नहीं करेंगे। हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं इमली, जानते हैं। पर जिस दिन आप सबके मन में कैरी दीदी के लिए करवाहट खत्म हो जाएगी, उस दिन हम आशु को जरूर वापस लेके आएंगे। पर तब तक हमको आपके पोते को लेके जाने का मौका दीजिए। एक सेकंड, ये भोला की कहानी के बारे में तो हमने भी सुन रखा है। डोली जी, ये भोला वही है ना जिसका आधा चेहरा जला हुआ है? हाँ। अरे, ये भोला की कहानी कोई हमें भी बताएगा? अब मैडम जी, हम बताते हैं भोला की कहानी। फैक्ट्री में हुए धमाके में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, भोला ने भी खोया। वो करीब 8 साल का रहा होगा। हादसे में उसके बाऊजी गुजर गए और भोला भी जख्मी हो गया। उसका आधा चेहरा जल गया। अरे ओ इमली रानी, अरे हमसे भी कर लो कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी। बकवास, अगर बंद नहीं किए तो जल्दी अस्पताल में होंगे। उसमें आके बात कर, न तेरे पीछे पति है और न पहरेदार। अगस्त बाबू भी तुझे नहीं बचाने वाला। इमली को नाजुक फूल कुमारी नहीं जिसके लिए पहरेदार की जरूरत हो। अगर हमरे बारे में और एक उल्टा शब्द बोले ना तो यही गाड़ देंगे। ज्यादा सती सावित्री ना बर इमली, इस तरह की लड़कियों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बढ़िया बात की है आपने। इस तरह की लड़की, ये जो महान शब्द तुम अपने तौलिया जैसे मुंह से झाड़े हो ना, उनका क्या मतलब समझो? हाँ दादी माँ, आपने मुझे बुलाया? ये तस्वीरें हैं बिटवा, इनको देख और अपने लिए कौनो एक पसंद कर ले। क्या? नहीं दादी माँ, इमली भाभी, देखा, अभी तो हम उन्हें भाभी कहने की आदत भी नहीं छोड़ पाए। पर भैया के मन पे क्या बीत रही होगी आप सोच भी नहीं सकते। दादी माँ, वो अभी अभी तो घर से गई होगी। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, लौट सकती है, और इसीलिए हमका उनके लौटने के सारे रास्ते जल्दी से जल्दी बंद करने हैं। तूने हमारी कसम नहीं खाई थी ना, इसके वास्ते हमें ये करना पड़ेगा।